नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आपके जो सेट टॉप बॉक्स है एमपीजी 2, उसमें जो पेसफुल प्रॉब्लम आ जाता है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका जितना भी टीवी चैनल है, उस टीवी चैनल को आप एडिट प्रोग्राम में जाइए मेनू बटन प्रेस करके, और मेनू बटन प्रेस करके एडिट प्रोग्राम में जाके जितने भी टीवी चैनल है उस टीवी चैनल को आप ऑल डिलीट कर दीजिए। और सिर्फ टीवी चैनल को ये डिलीट करने से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि टीवी चैनल भी जितना भी होता है उतना भी आपका जो है रेडियो चैनल भी रहता है उसी तरह से। तो ये टीवी चैनल जो है इसको डिलीट कर दिया, और साथ में जो रेडियो चैनल है रेडियो चैनल लिस्ट में आप ओके कीजिए। तो जितने भी रेडियो चैनल है वो सारे रेडियो चैनल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है रेडियो चैनल है, और हम लोग जो है रेडियो चैनल को छोड़ देते हैं, सिर्फ टीवी चैनल को जो है डिलीट करते हैं। तो यहाँ जो है रेडियो चैनल भी बहुत रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे जो जगह है सेट टॉप बॉक्स का वो फुल रह जाता है रेडियो चैनल की वजह से। तो हम लोगों को जो है रेडियो चैनल को भी डिलीट करना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 98 जो है रेडियो चैनल है, तो इतना जगह जो है सेट टॉप बॉक्स का ले रखा है रेडियो चैनल में, तो इसीलिए भी दिखाते हैं पेसफुल। तो बार बार ऑटो स्कैन करने से क्या होता है सारे चैनल जो है सेव रह जाता है, और इसको जो है ऑल डिलीट कर देते हैं। टीवी चैनल जैसे डिलीट किया उसी तरह से रेडियो चैनल को भी हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने से क्या होगा, जितने भी जगह है वो खाली हो जाएगा, सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल जगह फ्री हो जाएगा, पेस फ्री हो जाएगा। तो यह देख सकते हैं टीवी चैनल बिल्कुल नहीं है, एकदम खाली है, एम्प्टी। और रेडियो चैनल भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए रेडियो चैनल लिस्ट, इसको ओके किया तो यह भी रेडियो चैनल एक भी नहीं है, सारे जो है डिलीट हो गया, और सेट टॉप बॉक्स में जितना भी जगह है वो खाली हो गया। अब हम जो है इसको ऑटो स्कैन करेंगे तो हम लोगों का जो है सेट टॉप बॉक्स में पेसफुल का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो प्रोग्राम सेटअप में ओके किया, और उसके बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे मेनू, और नीचे देखिए जो ऑटो स्कैन ऑप्शन है, पहला है ऐड न्यू प्रोग्राम, एडिट एल एन बी फ्रिक्वेंसी पैरामीटर सेटअप, और ये है ऑटो स्कैन। तो यहाँ जो है ओके करना है, और इस तरह का पेज आएगा, और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी दिया है 05150, ये ओल्ड फ्रिक्वेंसी है। अब जो है इसको आप नया फ्रीक्वेंसी दे दीजिए 9750। ओल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे भी आप ऑटो स्कैन करेंगे तो भी आपका चैनल आएगा, लेकिन आपके सेट टॉप बॉक्स में जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं रहेगा। और ये जो है नया फ्रीक्वेंसी है, स्कैन मोड को फ्री कीजिए, 22 के ऑफ रखिए, और डिस्क्यूसी स्विच अगर लगा हुआ है तो उस हिसाब से आप डिस्क्यूसी स्विच 1, 2, 3 दे सकते हैं, जैसे आपका डिस्क्यूसी स्विच लगा हुआ है। अब इसके बाद जो है आपके जो रिमोट है, रिमोट के बटन से ओके कीजिए। ओके करने से जितने भी चैनल है डीडी फ्री डिश में वो सारे चैनल जो है आपका आ जाएगा आपके सेट टॉप बॉक्स में। इसके लिए आपको जो है कोई अलग से फ्रीक्वेंसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में जो है चैनल डिलीट हो गया तो उसके लिए आप घबराइए मत, आप इस तरह से जो है ऑटो स्कैन कीजिए। इस तरह से ऑटो स्कैन करने से आपके सेट टॉप बॉक्स में जितने भी चैनल था पहले वो सारे चैनल आ जाएगा, और आप जो है उस चैनल को आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पहले देखते थे। तो ये जो है सारे चैनल आ गया, अब ये जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी चैनल है वो सारे चैनल सेव हो गया, टीवी चैनल और रेडियो चैनल दोनों ही आपको मिल जाते हैं यहाँ, और बिल्कुल फ्री में, और बहुत अच्छे अच्छे चैनल आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ चैनल जो है हम आपको चला के दिखाते हैं। यहाँ आपको न्यूज़ का चैनल मिल जाएगा, आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, 24 न्यूज़, 24 न्यूज़, 18, इस तरह के जो बहुत अच्छा अच्छा चैनल है न्यूज़ का वो आपको मिल जाते हैं। गाने का जो चैनल है, म्यूज़िक का चैनल आपको यहाँ मिल जाते हैं।
साथ में आपको जो है मूवीज़ का बहुत अच्छा अच्छा चैनल आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट का जो चैनल है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, और बच्चे के लिए जो है कार्टून भी यहाँ आपको मिल जाता है। वैसे पर्टिकुलर कोई कार्टून का चैनल नहीं है, लेकिन रिश्ते जो चैनल है उसी चैनल में जो है कार्टून आते हैं। सुबह 8 से 8:30 बजे कार्टून यहाँ शुरू हो जाता है, 11 से 11:30 बजे तक वो कार्टून चलता है, और बहुत अच्छा अच्छा कार्टून आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए गाने का चैनल, बहुत अच्छा गाने का चैनल मिलता है, और यह जो पैकेज मिलता है बिल्कुल फ्री में, इसके लिए कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसी यहाँ जो पैकेज मिलता है, इसी पैकेज को अगर आप डिश टीवी में देखेंगे सेम पैकेज, तो इसके लिए जो है आपको डिश टीवी में 100 रुपीस का जो है रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ डीडी फ्री डिश में आपको जो है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। तो डीडी फ्री डिश जो है मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है, जहाँ आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है, और यहाँ जो है नए नए चैनल भी आते हैं, और वो नए नए चैनल जब आते हैं उस चैनल को ऐड करने के लिए बहुत सारे जो व्यूअर्स है यूज़र्स है वो घबरा जाते हैं कि LNB फ्रीक्वेंसी हम कौन सा डालें, क्योंकि यहाँ जो है 3 LNB फ्रीक्वेंसी है, तो उनमें से जो है जो फ्रीक्वेंसी किसी पार्टिकुलर जो है ट्रांसपोंडर की चैनल देखने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत होता है, LNB फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए आपको जो है चैनल में जब भी कोई नया वीडियो आता है उस वीडियो की अपडेट जो खबर है वो आपको देखना पड़ेगा, और उस अपडेट खबर देखने के लिए जो है आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अगर डीडी फ्री डिश में कोई नया चैनल ऐड होता है तो उसकी अपडेट न्यूज़ आपको इस चैनल में मिल जाएगा। साथ में जो है फ्रीक्वेंसी, LNB फ्रीक्वेंसी दोनों ही आपको यहाँ मिल जाएगा, उसी LNB फ्रीक्वेंसी और ट्रांसपोंडर को आपको यहाँ जो है ऐड करना है, चाहे वो 9,750 या फिर 10,650 जो भी हो आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल में। तो नए नए चैनल जो है उसको ऐड करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चैनल जो है नया नया आ रहा है, तो अपडेट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इस चैनल में जो है आपको 100% रियल न्यूज़ मिलेगा, कोई फेक फूक न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा, जो भी न्यूज़ मिलेगा 100% सही न्यूज़ मिलेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ इसी चैनल में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।